दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल यूनिक होने वाला है, सबसे हटकर। YouTube पर शायद आज तक आपने ऐसा वीडियो ना देखा हो और ना ही ऐसी बातों को सुना हो। सब लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है कि जो एक नया YouTube चैनल हम बनाते हैं तो उस टाइम उस पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करें, या क्या हमारा जो YouTube चैनल वो बूस्ट कैसे हो, ग्रो कैसे हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक एक साल दो दो साल तक उस पर कंटिन्यू काम करते हैं, तीन तीन साल हो जाते हैं, बट उनका चैनल मोनेटाइज तक नहीं हो पाता, ग्रो नहीं होता, सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते, वॉच टाइम पूरा नहीं होता। तो आखिर करे क्या, समझ ही नहीं आता कि यार करे क्या। तो इसी वीडियो में मैं आज बात करूंगा कि चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो आप, और अगर मान लो ग्रो नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो, सो प्लीज आई वांट टू रीच 1 मिलियन लाइक्स, सो प्लीज वीडियो में मैं 3 से 4 पॉइंट पर बात करूंगा। तो अब हम चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। दोस्तों अब से पहले आपने YouTube पर बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखे होंगे, YouTube चैनल को ग्रो करने की अलग अलग ट्रिक देखी होगी, अलग अलग बेसिक तरीके देखे होंगे। लेकिन आज मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको बात करने वाला हूँ कि एक चैनल ऐसा होता है जो 2-3 साल पुराना हो जाता है, उस पर हम काम करते रहते हैं, उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, लेकिन वही सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। और एक ऐसा यूट्यूब चैनल होता है जिस पर हम बिल्कुल नया फ्रेश काम शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते, हम ऑडियंस की भावनाओं को नहीं समझ पाते और वो भी हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, या एंगेजमेंट अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि उनके सामने वीडियोस आती है तो वो क्लिक नहीं करते हैं, या तो उनसे रिलेटेड वो टॉपिक नहीं होगा। आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हो कि मतलब हर वीडियो पर सेम व्यूज़ नहीं आते। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो टॉपिक हम वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे पास मान लो अभी 40,000 सब्सक्राइबर है, तो क्या मेरी वीडियो को 5,000 लोग देखते हैं? तो 2,000 लोगों को ये जरूरत हो कि थंबनेल कैसे बनाएं, और बाकी लोगों को जरूरत है कि चैनल कैसे ग्रो करें, तो वो उसी वीडियो को देखेंगे जो उनको जरूरत है। तो इसीलिए सेम व्यूज़ कभी नहीं आते। अब बात आ जाती है कि यार जो सेम व्यूज़ आ रहे थे, एवरेज व्यूज़, उससे भी कम आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे चैनल में ही मिस्टेक है, हमारी ऑडियंस ही बहुत ख़राब है, या वो उनको पसंद ही नहीं है हमारी बात। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि आपका चैनल चाहे 2 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया, तो आपको क्या करना है, उस पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, या आपका चैनल बिल्कुल ठप हो गया, डेड हो गया, तो यार पहली कंडीशन तो ये होती है कि उस चैनल को आपको छोड़ देना चाहिए और आपको नया चैनल क्रिएट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल जिस कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, तो हमको अलग कैटेगरी भी ट्राई करनी चाहिए। मैंने जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था उस टाइम पे अलग कैटेगरी पर काम कर रहा था, फिर उसके बाद में उस पर भी मुझे ग्रोथ नहीं मिली, फिर अलग पर शुरू किया, फिर अलग पर, और फाइनली मैं यूट्यूब टिप्स में आया जब मैंने बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर लिया था। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप जिस कैटेगरी में उतरे हो उसमें कितने निपुण हो, कितने आप उसके अंदर अपना नॉलेज रखते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो आपका चैनल 3-4 साल पुराना हो गया, तो सबसे पहले आपको अपना चैनल की कैटेगरी चेंज कर लेना चाहिए। मान लो एक ही कैटेगरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपका यूट्यूब चैनल काफी पुराना हो गया, उस पर व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर बेस ज्यादा हो गया, चैनल डेड टाइप में हो गया, तो आपको नया चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब बात आ जाती है कि बिल्कुल फ्रेश चैनल हम क्रिएट कर लेते हैं और उस पर काम कैसे करें, तो सेकंड पॉइंट में हम बात करने वाले हैं। पहले पॉइंट में हमने बात कर ली कि भाई किस तरीके से आपको पुराने चैनल को क्विट करना है, या अब कैटेगरी चेंज करनी है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया और उस पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो। लेकिन सेकंड पॉइंट है कि मान लो आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है, तो आपको क्या करना है, खुद से चैलेंज करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई खुद से ही हमको जंग लड़नी पड़ती है और खुद से ही हमको जीत हासिल करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे जो इरादे और हमारी सोच है वो अच्छी रहती है, तो हम अच्छे काम को भी बहुत अच्छे तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से कर ले जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको 6 महीने का या 12 महीने का टारगेट करना पड़ेगा, जिस कैटेगरी पर आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है वो कैसा रहेगा। भाई चैनल ग्रोथ के पीछे हाथ रहता है आपके व्यूज पर, सब्सक्राइबर पर और आपके कॉन्टेंट पर, यानी कि आपकी वीडियो लोगों के पास जाती है तो कितना उनको अट्रैक्ट कर पाती है। यहां पर आपके कॉन्टेंट को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके जैसे और यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोज को एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो लोग जो वीडियोस डाल रहे हैं उसमें और आपकी वीडियोस में क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, क्या उनकी कॉपी कर रहे हैं हम, क्या उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्या यूनिक है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। दूसरी बात कि आपका जो कंटेंट है उसकी टाइमिंग क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, पर डे वीडियोस डालते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं 2 दिन में वीडियो डालते हैं, बहुत सारे करते हैं कि 3 दिन में एक वीडियो डालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब डालते हो। तो शुरू से पहले दिन से जब चैनल स्टार्ट करो उसी दिन से आपको ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपकी बोलने की स्किल कैसी है, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट किया हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आपकी जो बोलने की स्किल है वो क्या एक अच्छे यूट्यूबर की तरह बोल पा रहे हो। अब अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, बस आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। इसके अलावा आपकी वीडियो की एडिटिंग स्किल, यानी कि यार एक हर एक यूट्यूबर अलग अलग तरीके से वीडियो एडिट करता है, कोई अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए अलग चीज़ें बताता है, कोई कैसे बताता है, कोई एनिमेशन एडिटिंग करता है, और सबसे बड़ा बात यह है कि वीडियो का जो वीडियो कितना अट्रैक्टिव है, कितना लोगों को एंगेज कर पाता है, वीडियो में आप अलग अलग चीज़ें कैसे समझा पा रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा कम से कम आपको 6 महीने का खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा कि यार मुझे 6 महीने तक पर डे एक वीडियो डालना है, पर डे दो वीडियो डालना है। अब सबसे जो परफेक्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके काम करने का अंदाज और तरीका कैसा है। अब तीसरे पॉइंट में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तीसरा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ एक नए YouTube चैनल जब आप स्टार्ट करोगे तो उस पर ग्रो होना इतना आसान नहीं है, बट हाउ टू ग्रो YouTube चैनल बहुत सारे लोग इस वीडियो को सर्च करते हैं, इसी से मैं आपको समझाऊंगा। और एक वीडियो ऐसा होता है कि मैंने किसी YouTube का नया अपडेट आया और वो ब्राउज फीचर में गया और सब लोगों ने उसको देखा, तो मान लो आपका नया चैनल है तो आपको दो चीज़ों को लेकर चलना होगा। सबसे पहले जो आपका कंटेंट है वो ट्रेंडिंग कंटेंट है या नहीं, दूसरा आपका जो चैनल है उस पर सर्चेबल कंटेंट है या नहीं, और इन दोनों के ऊपर ही आपको काम करना पड़ेगा। आपका YouTube चैनल उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, हर तरीके का जो आपका माइंड है उसको लगाना पड़ेगा कि यार जब किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है तो मुझे उस ट्रेंड को अपने YouTube चैनल से लिंक कराना होगा और वीडियो पब्लिक करना होगा। क्या पता लोगों में वो ट्रेंड चल रहा है तो मैं उसके अनुसार वीडियो डालूं, और क्या पता मुझे अच्छा एंगेजमेंट मिल जाए और मेरी वीडियो वायरल हो जाए और उससे मुझे कुछ सब्सक्राइबर और वॉच टाइम गेन हो जाए जो रियल हो, और फिर मेरी आगे भी वीडियोस देखे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो और उससे अर्निंग हो। एक कंटेंट होगा कि सर्चेबल, जिस पर मान लो आपने अच्छे से उसका SEO करा। अब भाई SEO के ऊपर फुल डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने 32 मिनट का, देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अच्छा से SEO करा उसका, और वो आपकी वीडियो रैंक करेगी। मेरा भी एक वीडियो यहाँ देख सकते हो, वो रैंक करा हुआ है, उस पर अभी 65,000 के लगभग सब्सक्राइबर और वो व्यूज है, सब्सक्राइबर भी उससे काफ़ी अच्छे मिले मुझे, तो वो वीडियो अभी भी रैंक करता जा रहा है, उससे मुझे अर्निंग भी होती है और हमेशा वो मेरे चैनल पर चलता रहा है। तो इससे क्या होता है, आपके चैनल की एंगेजमेंट बढ़ती है, आपके सब्सक्राइबर बेस बनता है। और सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि मान लो आपका चैनल बिल्कुल नया है तो आपको क्या करना है, अपने चैनल पर सब फॉर सब बिल्कुल नहीं करना है शुरुआत में, और आपके चैनल का लिंक को इधर उधर गलत जगह शेयर नहीं करनी है। जहाँ पर आपके कॉन्टेंट की आवश्यकता है लोगों को वहीं शेयर करनी चाहिए। आपकी कुछ ऑडियंस सब इंस्टाग्राम से भी आप ढूंढ सकते हो। एंड भाई वीडियो की एडिटिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ मोबाइल है तो उससे हम कैसी वीडियो की एडिटिंग करेंगे अच्छी, तो यार मैं आपको बता दूं मैं भी मोबाइल से ही वीडियो शूट करता हूं, बट एडिटिंग में आपको काफ़ी अच्छी उसकी ग्रेडिंग बढ़ा देनी है, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, उसके ऊपर मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और सर्चेबल कंटेंट कैसे फाइंड करना है इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। बाकी इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और आप किसी भी वीडियो पर मतलब चाहते हो किसी भी टॉपिक पर वीडियो वगैरह तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी एंड स्क्रीन वाली वीडियोस देखो और सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।